खुले गटर मौत का सामान, वासा की नाहली एक और मासूम की जान ले गई। ताजपुरा रजाक कॉलोनी में 3 साल बच्चा नमान खुले गटर में गिरकर जान बहक। एसडीओ नमान खालिद और सब इंजीनियर मोहम्मद काशिफ मौतल। एमडी वासा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गुजापीर रोड पर वासा ने सीवरेज सिस्टम नहीं लगाया, तामीराती काम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने करवाया था, सैयद जाहिद अजीज। शहर में खुले मैन होल्स का मामला, बल्दिया उज़्मा और वासा की मुश्तरका रिपोर्ट सामने आ गई। वाहगा जोन में 495 मैन होल्स के ढक्कन मौजूद नहीं। गुलबर्ग जोन में 27 कटरों के ढक्कन दरकार। अलामा इकबाल जोन में 239 कटरों के ढक्कन गायब। अजीज भट्टी जोन में 279 मैन होल्स ढक्कनों से महरूम। रिपोर्ट मुरतब होने के बावजूद हुकाम ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। रिपोर्ट में इंकशाफ। डाकू शहर में बेलगाम, पुलिस नकेल डालने में नाकाम। इस्लामपुरा, नेशनल कॉलोनी, शफीकाबाद और टाउनशिप में डाकुओं ने उधम मचा दिया। चंद घंटों में 15 डकैतियां, शहरी लाखों से महरूम। शादबाग, शमाली छावनी, सांदार, रावी रोड में भी शहरी लूट गए। एलपीजी की कीमतें कम न हुई, रिक्शा यूनियन एक बार फिर सड़कों पर आ गई। मुजाहरीन ने एहतजाजन रिक्शा जला दिया। बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग में रोड ब्लॉक करके भरपूर एहतजाज। अगर कीमतें कम ना की गईं तो मुल्कगीर रिक्शा जलाओ तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की हुकूमत को धमकी। अरबंसपुरा जलाल कॉलोनी में महकमा रेलवे का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। टायर जलाकर शदीद नारेबाजी, रिंग रोड को ब्लॉक किए रखा। 40 साल से मुकीम है, अब बगैर नोटिस निकाला जा रहा है मुजाहरीन। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के इशाद के खिलाफ चुंगी अमर सदू में एहतजाज। मुजाहरीन का गुस्ताखी के मुर्तकिब ममालिक के बॉयकॉट का मुतालबा। नामूसे रिसालत के लिए सब कुछ कुर्बान है मुजाहरीन। डीपीओ पाकपतन की तब्दीली, पुलिस का अंदरूनी मामला है। डीपीओ पाकपतन के खिलाफ मुसलसल शिकायत आ रही थी। वजीर आला हाउस या बनी गाला से कोई अहकाम जारी नहीं हुए। पाकिस्तान में सालाना 800 अरब डॉलर की करप्शन हो रही है। 10 साल तक गुड गवर्नेंस की छतरी तले बैड गवर्नेंस चलती रही। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, पहला और आखिरी मकसद अवाम की खिदमत है। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली में कायदे हिजब इख्तलाफ की रिक्विजिशन पर एतराजात। नून लीग की अराकीन की सेक्रेटरी असेंबली से मुलाकात। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। ख्वाजा सलमान बोले इस तरह होता रहा तो काम नहीं चलेगा। पाक भारत आबी तनाजा, भारत इंडस वाटर कमिश्नर पी के सक्सेना की क्यादत में भारतीय वफ्द मुजाकरात के लिए वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान इंडर वाटर कमीशन महर अली शाह ने वक्त का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान सिमतास माहदे के तहत पानी के मसाइल पर बात होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने मियानी साहब कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा करने वाले अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली। मियानी साहब कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकम्मल, 1000 सायादार दरख्त लगाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर विर्क ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पहले ही पाबंदी लगा चुकी है। आशियाना इकबाल स्कैंडल, मुलजिम फवाद हसन फवाद की फिर एहतसाब अदालत पेशी। अदालत ने नैब की दरखास्त पर मुलजिम को इस्लामाबाद ले जाने के लिए 2 रोजा राहदारी रिमांड की इजाजत दे दी। पीटीआई के खिलाड़ी भी कप्तान के नक्शे कदम पर। सूबाई वजीर बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की बेहतरी की ठान ली। नाअहल और करप्ट ऑफिसर की सिफारिश नहीं होगी, 2 माह में वाजे तब्दीली लाएंगे। अलीम खान के इजलास में अफसरान से गुफ्तगू। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज ने भी बाकायदा काम शुरू कर दिया।
एक्साइज दफ्तर में इजलास की सदारत की। वजीर सेहत यास्मीन राशिद से सेक्रेटरी सेहत की मुलाकात। न्यू अस्पताल का भी दौरा। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। आम इंतखाबात के बाद अब ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी कर दिया। 37 नशस्तों पर इलेक्शन होंगे। लाहौर से अक़वामी असेंबली के दो हलकों N124 और N131 जबकि PP164 और PP165 पर मुकाबला। कागजात नामजदगी मिलना शुरू हो गए। 28 अगस्त से वसूल किए जाएंगे। फहरिस्त 31 अगस्त को आवेजा की जाएगी। N124 से लीगी रहनुमा सुहेल चौकत भट्ट के नुमाइंदे समेत 10 जबकि NA131 से 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। इलेक्शन में फराइज की अदायगी रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ भी उठा लिया। एक तो महंगाई ने मत मारी, ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन भी मकरूज। शहर के 50 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स वीरान होने लगे। दालें चीनी चावल समेत दीगर अशिया तो मिलती नहीं, जो मिलती हैं वो बाजार से भी महंगी। अवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। कस्टम्स मुलाजमीन की तनख्वाहें सरकार के खाते में और काम अफसरान के घर में। 100 से ज्यादा अहलकार और ड्राइवर्स कस्टम्स के आला अफसरान के घरों में काम करने लगे। अंदरून शहर में रिहायशी इलाके अलग, कमर्शियल अलग। वॉल्ट सिटी के प्लान को एलडीए के मास्टर प्लान में शामिल करने का फैसला। प्लान की मंजूरी के लिए वॉल्ट सिटी का एलडीए को मुरासला। जिले इंतजामिया शहर स्मोक के घेरे में आने से पहले ही इकदाम करेगी। कटाई के बाद फसलें जलाने, भट्टे बंद रखने और धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डीसी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का गुलबर्ग जोन का दौरा। इंसदादे डेंगू के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। मेट्रोपॉलिटन का मॉल रोड को खूबसूरत बनाने के हाईकोर्ट के हुक्म पर मिनो अन अमल करने का फैसला। अनारकली चौक से चेरिंग क्रॉस तक तारीखी इमारतों की तज़ीनो आराइश भी की जाएगी। भारी रकम खर्च की जाएगी। 1,12,00,000 के अखराजात की मंजूरी हाउस के आइंदा इजलास से ली जाएगी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब खिदमत खल्क में भी पेश। गवर्नमेंट हाई स्कूल छटियावाला में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। मरीजों के टेस्ट और मुफ्त अद्वियात की फराहमी। विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रिजवान आमिर बोले, पसमानदा इलाकों में तिब्बी सहूलियात फराहम करना हमारा विजन है। मरीजों के साथ आए बच्चों में तहफ भी तकसीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होम सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 3 टेस्ट, 3 वनडे और 3 ही T20 पर मुश्तमिल होगी। बच्चे हो जाएं खुश, चिड़ियाघर से आई हैं अच्छी खबरें। हॉक डियर ने दिया है बच्चे को जन्म। जू में हिरन की तादाद 20 हो गई। शेखुपुरा से पकड़ा गया 16 फीट लंबा अजदहा भी जू फैमिली का हिस्सा बन गया। और शहर का मौसम अचानक पलट गया। बादलों के डेरे, कहीं कहीं हल्की बारिश।